नमस्ते दोस्तों, मैं जुमा घोष, आप सबको हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम एक वेज रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे, क्रिस्पी गोभी मंचूरियन, जो बहुत ही इजी प्रोसेस से हम बनाएंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगा तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ये वीडियो दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिए। आइए देखते हैं हम किस तरह से ये बनाएंगे। एक मीडियम साइज का फूलगोभी लिए हैं, इसको देखिए छोटा टुकड़ा में हम काटेंगे, इससे ये ज्यादा क्रिस्पी बनेगा, इसका कोटिंग भी बहुत अच्छी तरह से होगा। अगर आप बड़ा टुकड़ा काटेंगे तो आपका ज्यादा क्रिस्पी नहीं बनेगा। पैन में हम थोड़ा सा पानी लेंगे, इतना पानी लेंगे ये फूलगोभी आपका डूब जाए। हाई फ्लेम में हम पहले पानी को उबाल लेंगे, इसमें 1 टेबल स्पून हम नमक डालें। पानी को ढक के हम उबाल आने के लिए छोड़ देंगे। देखिए उबाल आ चुका, अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके फूलगोभी को डालेंगे। एक साथ हम पूरा नहीं डालेंगे तो गर्म पानी छिटक सकता है। अब ये पूरा फूलगोभी हम डाल दिए, इसको अच्छी तरह से हम डुबो देंगे। इसमें अगर कीड़े मकोड़े रहेगा तो पानी में निकल जाएगा और इसका स्मेल एक रहता है वो भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसको हम ढक के 1 मिनट मीडियम फ्लेम में थोड़ा छोड़ देंगे। अब हम गैस को बंद कर लेंगे। हम थोड़ा फॉक से देख लेंगे, थोड़ा सा ये वन थर्ड आपका यहाँ पानी में पक भी जाएगा। अब हम ये पानी से निकाल लेंगे, एक चलनी में हम इसको सुखाने के लिए छोड़ेंगे। इसमें थोड़ा सा हम ठंडा पानी भी दे देंगे, ये जल्दी ठंडा हो जाएगा और फिर ड्राई होने के लिए हम थोड़ा सा इस तरह से देखिए रख देंगे। एक बड़ा बोल लिए, इसमें हम 1 कप मैदा लिए, 1/4 कप कॉर्नफ्लावर लिए, 1 टेबल स्पून अदरक पेस्ट, 2 टेबल स्पून ऑयल लेंगे तेल, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक लेंगे। नमक आपके टेस्ट के अनुसार दीजिए। इसको अच्छी तरह से पहले हम मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स कर लिए हम पहले। पैन में हम तेल गरम करने के लिए छोड़ देंगे हाई फ्लेम में, एक करीब 200 ml तेल है। फिर हम ये बैटर तैयार करेंगे। हम पहले 1/2 कप पानी दिए, इसको पहले मिक्स करेंगे। हमें थोड़ा सा भी लम्स नहीं रहना चाहिए। 1 कप हम पानी दिए, इसे अच्छी तरह से हम बैटर तैयार करेंगे। देखिए इस तरह से तैयार हो गया। अब बैटर में हम थोड़ा थोड़ा देके गोभी फूलगोभी को थोड़ा देके मिक्स कर लेंगे। अब हम फ्राई करेंगे। ये थोड़ा सा हम देके देख लिए, अगर बैटर तुरंत ऊपर आ जाता है तो उसके मतलब तेल तैयार है। अब फ्लेम को हम थोड़ा मीडियम कर लेंगे, हाई फ्लेम में तेल को गर्म कर रहे थे, फ्लेम मीडियम कर लेंगे। अब हम चम्मच से अच्छी तरह से कोटिंग करके उसके बाद तेल में एक एक करके देंगे। ये देखिए इस तरह से हम देंगे। हम करीब 2 से 3 मिनट हम फ्राई करेंगे। हम पलट देंगे एक एक करके। अब हम इसे निकाल लेंगे। ये क्रिस्पी बनाने के लिए दूसरा टिप्स आपका है, पकौड़ा को 2 बार फ्राई कीजिए, क्योंकि बैटर में जब नमक रहता है तो उसमें पानी छोड़ देता है। ये देखिए इस तरह का कलर आएगा। एक बार हम पूरा फ्राई कर लिए, फिर फ्लेम को हम हाई कर लेंगे। अब हाई फ्लेम में हम देंगे इसे, करीब हम 1 से 1.5 मिनट तक हम फ्राई करेंगे। ये देखिए इसका कलर थोड़ा इस तरह का चेंज हो जाएगा। हम अच्छी तरह से इसे पलटते हुए फ्राई करेंगे, हर तरफ फ्राई अच्छी तरह से होना चाहिए। ये देखिए इस तरह का कलर आएगा। पूरा हम पकौड़ा फ्राई कर लिए। एक छोटा सा हम बोल लिए, उसमें 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, 1 टेबल स्पून पानी देखिए। हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, लम्स नहीं रहना चाहिए। एक बड़ा बोल में हम 1 कप पानी लिए, 2 टेबल स्पून टोमेटो केचप, 1 टेबल स्पून रेड चिली सॉस, 1 टेबल स्पून सोया सॉस लेके हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून सेजवान सॉस देंगे, ये ऑप्शनल है, ये आप नहीं भी दे सकते हैं। इसे हम फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लिए। अब इसमें हम 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर देंगे,
अब सब मिला के अच्छी तरह से मिक्स करके देखिए सॉस तैयार हो गया हमारा। अब पैन में हम 2 टेबलस्पून तेल डालेंगे। ये तेल आप कम या ज़्यादा और दे सकते हैं। फ्लेम को हम हाई कर लेंगे। तेल गर्म हो चुका, अब इसमें हम सब्जियां डालेंगे। एक बड़ी आकार का कैप्सिकम छोटा टुकड़ा काटे हैं, एक बड़ी आकार का प्याज इसे भी छोटा टुकड़ा काटे हैं, एक हरी मिर्च छोटा टुकड़ा काटे हैं, 1 इंच अदरक कद्दूकस कर लिए हैं और करीब 4 से 5 लहसुन का कली इसे भी कद्दूकस कर लिए हैं। हम थोड़ा 2 से 3 मिनट इसे हाई फ्लेम में हम थोड़ा फ्राई करेंगे। ये फ्राई हो चुका, ये अच्छी तरह से हम मिक्स कर लिए। अब ये सॉस डालेंगे, हम फ्लेम को हाई रखेंगे। हाई फ्लेम में हम थोड़ा इसे उबालेंगे। उसके बाद इसमें जो ये कॉर्नफ्लोर मिक्स करेंगे, मिक्स करके करीब 2 मिनट समय लगेगा उबालने में। फ्लेम को हम हाई रखेंगे। ये उबाल आ जाने के बाद ये जो पकोड़ा था गोभी का उसे हम डाल देंगे। दे फ्लेम को हम लो कर देंगे। ये तीसरा नाम आपका टिप्स था क्रिस्पी करने के लिए। ये फ्लेम को अब हम बंद कर देंगे। उसके बाद अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। इस रेसिपी में हमारा 3 टिप्स था जिससे आपका ये क्रिस्पी मंचूरियन तैयार होगा। पहला था गोभी को थोड़ा छोटा टुकड़ा में काटे, दूसरा टिप्स था गोभी का पकोड़ा को आप 2 बार फ्राई कीजिए, तीसरा टिप्स था जब आप गोभी के पकोड़े को सॉस के साथ मिक्स करेंगे तो फ्लेम को बंद कर दें। पहले फ्लेम को लो कर दें, उसके बाद फ्लेम को बंद करके उसके बाद उसको अच्छी तरह से मिक्स करें। इससे आपका गोभी मंचूरियन क्रिस्पी रहेगा। ये रेसिपी आप जरूर ट्राई कीजिए। आपको ये रेसिपी कैसा लगा आप जरूर हमें कमेंट कीजिए। थैंक यू।